वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्लीच क्रीम को हम किस तरह से जो है इसके अंदर प्री और पोस्ट ब्लीच पैक हैं और क्रीम है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी, आपको बताऊँगी और थोड़े बहुत जो प्रिकॉशन लेने होते हैं हमें ब्लीच करते हुए वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आप देखते रहिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये है VLCC का क्रीम इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच। इसमें और भी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं पर यहाँ पे मैं आपको गोल्ड ब्लीच के बारे में बता रही हूँ। ये है विद गोल्ड ऑक्साइड ग्लोइंग ग्रेडियंट फेयरनेस और इसमें मिलेगा आपको विद प्री ब्लीच क्रीम एंड पोस्ट ब्लीच क्रीम, ये यहाँ पे मेंशन है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस है 60 रुपीज़, ठीक है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, 1 साल का टाइम मिल जाता है, मतलब 1.5 ईयर का टाइम आपको मिल जाएगा इसको यूज़ करने के लिए, 1.5 साल का टाइम मिल जाता है आपको इसको यूज़ करने के लिए, इसके जो शेल्फ लाइफ है 1.5 साल है। तो ये जो है प्राइस इसका 60 रुपीज़ है और ये अवेलेबल है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, हो सकता है कि लोकल मार्केट से परचेज करें तो भी आपको थोड़ा सा इसमें ऑफ मिल जाए। तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है वो डिटेल्स मैंशनड है। इसमें है प्ली ब्लीच क्रीम 3 ग्राम्स, ब्लीच क्रीम 20 ग्राम्स, पावर एक्टिवेटर है 2 ग्राम्स और पोस्ट ब्लीच पैक है इसमें 5 ग्राम्स, ठीक है, ये डिटेल्स मैंशनड है। इस तरफ इसके इंग्रेडिएंट्स मैंशनड हैं क्या क्या इसमें यूज़ किया गया है इंग्रेडिएंट्स में। तो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग इस तरह से। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या मिला है। इसमें सबसे पहले तो गाइस ये है क्रीम, ब्लीच क्रीम है ये, और ये है पैम्फलेट जिसमें डिटेल्स मेंशन्ड हैं कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इस छोटे से कंटेनर में है एक्टिवेटर जिसको ब्लीच पाउडर भी बोल सकते हैं, और ये है प्री ब्लीच क्रीम और ये है पोस्ट ब्लीच पैक। तो गाइज ये डिटेल ये चीज़ें इसमें हमें मिली हैं। अब आप एक स्पैचुला होगा छोटा सा, एक प्लास्टिक का छोटा सा स्पैचुला है, ये सब चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी जो भी आप ब्लीच यूज़ करें सबसे पहले पैम्फलेट में उसकी डिटेल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ठीक है, आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए उसके बाद ही ब्लीच को यूज़ करना चाहिए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगी, आपको पहले पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई नई ब्लीच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद अपनी स्किन पे तो उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करिए। अगर आपको इरिटेशन होती है या बर्निंग जैसा कुछ फील होता है तो आप उस ब्लीच को यूज़ मत करिए। और अगर आपने ब्लीच को यूज़ कर लिया है फिर भी आपकी स्किन में, देखिए थोड़ी बहुत इरिटेशन तो होती ही है स्किन में, पर अगर आपकी स्किन में ज़्यादा बर्निंग और ज़्यादा इरिटेशन होती है तो आप उसको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए, वेट बिल्कुल मत करिए, ठीक है गाइस, ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये जो पैक है ये हमें ब्लीच यूज़ करना, ब्लीच फेस पे लगाने से पहले यूज़ करना है प्री ब्लीच क्रीम। आप चाहें तो ये जो पैक में क्रीम है ना ये आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप इसको हाफ यूज़ करना चाहते हैं तो हाफ यूज़ कर लीजिए, बाकी आप अगर 15 दिन बाद ब्लीच यूज़ करते हैं या 1 मंथ बाद तो नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको अच्छे से पैक करके वापस रख दीजिए हाफ यूज़ करने के बाद। इसको लेना है आपने मॉइस्चराइज़र या जेल की तरह, जैसे आप जेल या मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं अपने हाथों पे, और अपने फिंगर्स की मदद से अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए और तब तक अपने चेहरे की मसाज करिए और नेक की, जब तक कि ये पूरा ऑब्जॉर्ब ना हो जाए आपकी स्किन के अंदर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्री ब्लीच क्रीम को आपने कैसे यूज़ करना है। अब बारी आती है इनकी, तो इसमें होती है क्रीम, ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये अभी सील्ड पैक्ड होगा, ये
ठीक है, गोल्ड क्रीम है तो गोल्ड कलर है इसमें, गोल्ड कलर का क्रीम है। इसको हम आधा हाफ यूज़ करेंगे, हाफ आपने लेना है। कभी भी ब्लीच यूज़ करने लगाने के लिए, मिक्स करने के लिए, आप स्टील का कुछ बर्तन मत लीजिए, आपको या तो प्लास्टिक लेना है या फिर कांच। इसको हाफ निकालिए और आपका जो रेशो होगा वो रहेगा 1:10 का। अगर आप 10% ले रहे हैं क्रीम, 1% यूज़ करेंगे एक्टिवेटर, रेशो आपका यही रहना चाहिए। ठीक है, एक्टिवेटर को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो रेशो यही रहेगा 10, आपका 10 और 1 का। 10% लेना है क्रीम, 1% लेना है एक्टिवेटर, ये रेशो रहेगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना। अच्छे से जब ये एक्टिवेटर क्रीम में मिक्स हो जाए तो आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा देर तक रखेंगे तो इसका असर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कितनी देर के लिए रखना होता है स्किन पे। तो अगर डार्कर स्किन टोन है, मतलब जिनकी स्किन डार्क है, उनको रखना है अप टू 10 मिनट्स के लिए, और जिनकी स्किन फेयर है उनको रखना है अप टू 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी हाल में अपनी स्किन पे ब्लीच को मत रहने दीजिए, और फिर उसके बाद इसको साफ़ पानी से रिमूव कर लीजिए। जब आप ब्लीच को रिमूव कर लेंगे तो नेक्स्ट टर्न आती है इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच पोस्ट ब्लीच पैक। इसको हमने ब्लीच लगाने के बाद यूज़ करना है। ठीक है, और ग्लोइंग और यूथफुल स्किन के लिए है ये। इसको भी 2 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, क्वांटिटी ठीक है। इसको हाफ अपने हाथों पे लीजिए और अपने फिंगर्स की मदद से अपने चेहरे पे जैसे मॉइस्चराइज़र या जेल लगाते हैं, सेम उसी तरह से जब तक ये स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए तब तक मसाज करिए अच्छे से। ठीक है, और इसको इसी तरह से लगा रहने दीजिए। उसके बाद आपने कम से कम, मिनिमम बता रही हूँ 5 आवर्स के लिए, कम से कम कोशिश करिएगा कि कम से कम 12 घंटे के लिए अपने फेस पे कोई भी फेस वॉश या आपने सोप यूज़ ना करें। ठीक है, नहीं तो मिनिमम आपको 5 to 6 आवर्स के लिए तो बिल्कुल ही अपने चेहरे पे कोई भी फेस वॉश या कुछ भी यूज़ नहीं करना है। और सेकंड जो ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपको धूप में ब्लीच को लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, बिल्कुल भी धूप में मत जाइए, कोशिश करिए कि रात को लगाएं ये ब्लीच। आप यूज़ करते हैं ब्लीच को, रात को लगाइए। तो ये तो मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी। अब एक चीज़ और, ब्लीच को लगाने से पहले अपने चेहरे को आप पहले ही फेस वॉश से अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद आपने यूज़ करना है इस क्रीम को, फिर आप लगाएंगे ब्लीच और फिर लगाएंगे ये पोस्ट ब्लीच पैक। तो यही था मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय।